सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS में जो वैकेंसी आई है साइंटिस्ट ग्रुप बी की, उन वैकेंसीज के बारे में। तो इसकी जो पे है वो लेवल 10 में है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और आप दिल्ली में जब आपके ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी पे इनिशियली होगी 79,929 रुपये यानी 79,929 रुपीज़। तो चलिए अब इस वैकेंसी को विस्तार से देखते हैं। पहले देख लेते हैं वैकेंसीज को। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 21 वैकेंसी है, जिसमें सामान्य की 10, OBC की 6, SC की 3 और ST की 2 वैकेंसी है। वहीं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की 10 वैकेंसी है, जिसमें सामान्य की 5, 3 है OBC की, 1 है SC और 1 है ST की। सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है 18, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है 10, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वैकेंसी है 17, केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है 12, फूड टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है 5, माइक्रोबायोलॉजी की वैकेंसी है 13 और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है 3। टोटल वैकेंसी है 109। इनमें से जो PS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है वो इस प्रकार है कि ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए 2 वैकेंसी है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के 5, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 1, ऑटिज्म के लिए 1 वैकेंसी है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी कम से कम 7% अंकों के साथ। SC ST के लिए ये परसेंटेज है 50। वही माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट हो कम से कम 60% अंकों के साथ माइक्रोबायोलॉजी में, और SC ST के लिए है 50%। वहीं बात करें अगर हम एज की, तो एज होनी चाहिए आपकी 21 से 30 साल, जो कि 1 मार्च 2018 को काउंट होगी। SC ST OBC और PH कैंडिडेट्स, साथ ही एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रिजर्वेशन के तहत उम्र में छूट दी जाएगी। वही बात करें आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। आप 16 मार्च 2018 से लेकर 2 अप्रैल 2018 तक BIS की वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाके वहां से आवेदन कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें, तो 16 मार्च 2018 से लेकर 2 अप्रैल 2018 तक आप ये पे कर सकते हैं। 750 रुपये है सामान्य OBC के लिए, SC ST एक्स सर्विसमैन और PS कैंडिडेट्स को, और साथ ही वुमेन कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है। अब देख लेते हैं जरा इंपॉर्टेंट डेट्स को। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 16 मार्च 2018 से 2 अप्रैल 2018। फीस के पेमेंट की डेट है सेम ही है, 16 मार्च 2018 से लेकर 2 अप्रैल 2018। कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट है 7 अप्रैल 2018 से शुरू हो जाएंगे, और ऑनलाइन एग्जाम की डेट है 15 अप्रैल 2018। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन जो एग्जाम होना है उसके लिए अपीयर होना होगा अपने खर्चे पे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बात करें एग्जाम सेंटर्स की, तो जो एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे वो होंगे हैदराबाद, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, नाहरलगुन, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, मोहाली, रायपुर, मापूसा, अहमदाबाद या गांधीनगर, वडोदरा, बद्दी और बिलासपुर, जम्मू, भिलाई, रांची, जमशेदपुर, बेंगलुरु, मैंगलोर, कन्नौर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई या थाने, नागपुर, पुणे, शिलोंग, NCR, भुवनेश्वर, बहरामपुर, गंजम, पुडुचेरी, अमृतसर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, गंगटोक, बारडांग, चेन्नई, कोयम्बटूर, अगरतला, इलाहाबाद, लखनऊ, देहरादून, दुर्गापुर या आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। अब बात करें ऑनलाइन एग्जाम जो होना है, तो उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के होंगे, टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन जो आप जिससे आपने अप्लाई किया है जिस डिसिप्लिन में उसके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यानी टोटल क्वेश्चन होंगे 200 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200 और टाइम लिमिट होगी 2 घंटे यानी 1 घंटे 20 मिनट। जो टेस्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सब विषयों के लिए बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 की होगी, यानी एक गलत उत्तर पे आपके 0.25 मार्क काटे जाएंगे, 4 उत्तर आपके गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। साथ ही स्कोर्स की अगर हम बात करें, तो अगर ये जो एग्जाम है 1 से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो वहाँ पर उनके इक्वलाइजेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो लागू किया जाएगा, और कट ऑफ स्कोर जो है मिनिमम आपको 50% लाने पड़ेंगे अपने कंसर्न डिसिप्लिन में, और मिनिमम 50% टोटल जो एग्जाम है उसमें लाने पड़ेंगे, यानी 50% मार्क्स आपको आपकी जो टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन का 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें लाने होंगे, 25 मार्क्स आपको लाने होंगे, और 200 में से कम आपको 100 मार्क्स लाने होंगे तभी आपको आगे मेरिट के लिए शामिल किया जाएगा।
और जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने आएँ तो आप अपने साथ वैलिड कॉल लेटर हो आपके पास, फोटो आईडी प्रूफ हो और आईडी प्रूफ की एक फ़ोटो भी अनिवार्य है। जब आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए आएंगे तो आपको बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशंस। तो सियोरिटी बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा कि आपको कम से कम 3 साल सर्विस करनी पड़ेगी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, और अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको नियमानुसार पे करना होगा। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। इसके अलावा अगर सर्विस बेनिफिट्स की हम बात करें तो आपको लीव, LTC, मेडिकल बेनिफिट्स जो कि एडमिशिबल हैं वो दिए जाएंगे। पोस्टिंग भारत की आप कहीं भी हो सकती है, आपकी पूरे भारत में यानी ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी वाली ये जॉब है। वहीं कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो साइंटिफिक कैडर के ऑफिसर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मॉडिफाइड फ्लेक्सिबल कम्प्लीमेंटिंग स्कीम से कवर रहते हैं वो, और उनको समय पर प्रमोशन मिलता है और साथ ही उनके स्किल्स को और निखारा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप www.bis.org.in पर जाके, वहाँ रिक्रूटमेंट पेज है, वहाँ जाकर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का जो लिंक है वो सामने आ रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर साइंटिस्ट ग्रुप बी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी कैंडिडेट्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है, आप चाहें तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।